यानी लोकतंत्र की व्यवस्था में जितना पॉलिटिकल पार्टी मजबूत रहतो, जितना विकल्प रहतो, उतना लोकतंत्र खूबसूरत रहतो, अपने यार उतना ही लोकतंत्र मजबूत रहतो। लेकिन आज नेशनल पार्टी के बीच दी और नेशनल गठबंधन के बीच आज झारखंड के राज्य में ये नया लड़का सब अपन राजनीतिक भविष्य तैयार कर रहा है, और केवल झारखंड के तैयार कर रहा है, इसे राज्य के धुंधला तस्वीर के साफ करे के तैयारी कर रहा है। अगर राजनीतिक भविष्य के बात रहता है, यदि हमने उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना रहता है, तो सांझ के समय लगो हमने एकदम विश्वास के साथ पढ़ने के कहा हो कि हमने के दियो राजनीतिक दल ऑफर कर ललय कि आप हमारे गठबंधन से चुनाव लड़ दीजिए। क्यों लड़ दें आपको भी मालूम है, गिरिडीह लोकसभा में अगर चुनाव है तो चर्चा गिरिडीह लोकसभा में होता है, धनबाद में अगर चुनाव है तो चर्चा धनबाद में होता है, आपके इस भाई का आपके इस बेटे का चर्चा पटना में हो रहा है। साथियों, पटना में बैठ के लोग चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड में एक जो लड़का आया है जो स्कॉर्पियो के छत से भाषण देता है, वह जब संसद में जाएगा तो उसकी बोली का टर्न क्या होगा, ये हम देखना चाहते हैं। तो अगर हमारी आकांक्षा राजनीतिक अपने लिए होती तो दोनों राजनीतिक दल हमें ऑफर कर रहे थे, उम्र 29 साल हो रही है, किसी दल के साथ हो लेते। लेकिन हमारी इच्छा हमने स्पष्ट कह दिया है, हम लोग राज्य को बदलने आए हैं। अगर मान के चलिए हमको कितनी सफलता मिलती है, नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे, मान के चलिए पहाड़ में कुछ है और उस पहाड़ को हम आधा काटते हैं, ठीक है, आधा काटते काटते अगर हमारा समाप्त हो जाता है जीवन, तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को आधा कटा हुआ तो मिलेगा पहाड़, वहां से वो काम को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार हम एक ऐसे सपने को लेकर चले हैं, एक ऐसी आइडियोलॉजी को लेकर चले हैं जो झारखंड के भविष्य के लिए है। हम लोग संघर्ष करेंगे, हम लोग संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे, हम लोग कहां तक जाएंगे ये हमारा मेहनत हमारे जनता का आशीर्वाद तय करेगा। लेकिन अगर हम बाय द वे हम लोग ना भी रहें, तो कम से कम जहां से हम लोग छोड़ के जाएंगे, आने वाली पीढ़ी वहां से पकड़ के उसे खड़ा करके आगे बढ़ाएगी, हमारा ये मकसद है। तो आज देख सकते हैं क्या परिस्थिति है इस राज्य की। आज अगर गिरिडीह की बात करें तो हजारों कंपनी हजारों फैक्ट्रियां हैं। आज गिरिडीह की जनता को क्या मिला, धुआं मिला। आज गिरिडीह की जनता को क्या मिला, प्रदूषण मिला। आज गिरिडीह की जनता को बीमारी मिली, आज गिरिडीह की जनता को बदहाली मिली, तंगहाली मिली। और बदले में जिनको हमने 12 बजे धूप में खड़ा होकर वोट देने का काम किया था, जिनको हमने 2 बजे दोपहर में वोट देने का काम किया था, पसीने से तर बतर होकर वोट देने का काम किया था, जिनको अपने बच्चों को घर में छोड़कर मतदान की जो कतार थी उसमें 2 घंटे खड़ा होकर वोट देने का काम किया था, आज पता कीजिए कोई करोड़पति बन चुका है, कोई किसी बिजनेस का पार्टनर बन चुका है, कोई किसी कंपनी में लेवी लेने का काम कर रहा है। यह तस्वीर मेरे राज्य की है। तो इसलिए आज हमें लगता है कि उस तस्वीर को बदलना होगा। आज हमें लगता है हर एक युवाओं को राजनीतिक चेतना का उदय करना होगा। आज हर एक युवाओं को घर में बैठकर राजनीति के विषय में बात करना होगा, क्योंकि राजनीति यानी समाधान, राजनीति यानी जो हमारी समस्याएं उसका समाधान के लिए आई है। आज अगर हमारे पास जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान संसद में होता है, और संसद का भाग्य हमारे वोट से तय होता है कि संसद में कौन जाएंगे। इसलिए आज हमें अपने वोट को लेकर गंभीर होना होगा, हमें अपनी समस्याओं को लेकर गंभीर होना होगा, हमें अपने मुद्दों को लेकर गंभीर होना पड़ेगा कि हमारे मुद्दों पर बात करने वाला कौन है, हमारे मुद्दों पर बात करने वाला, हमारे मुद्दों को लेकर लड़ने वाला कौन है, हमारे मुद्दों के साथ खड़ा रहने वाला कौन है, हमारे मुद्दों के साथ भिड़ने वाला कौन है, ये हमें खोजना होगा। आज बताइए जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होती है, तमाम हमारे जितने नौजवान है, पढ़ने लिखने वाले नौजवान है, तमाम माताएं भी अपने बच्चों को पढ़ाती हैं कि पढ़ेगा कुछ बनेगा बेटा, अरे वीडियो बनेगा, सीओ बनेगा, दरोगा चपरासियों तो बनेगा। हम एक उद्देश्य के साथ एक सपनों को साकार करने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं कि पढ़ लिख कर वो कुछ बनेगा। लेकिन आज जब परीक्षा की बारी आती है, जब हमारे भाई हमारे बच्चे हैं हमारे नौजवान साथी हैं, जब वो अपने सपने को साकार करने के लिए उस परीक्षा में बैठते हैं, 8 साल की परीक्षा 8 घंटे में कैंसिल हो जाती है, और तो माननीय का मुख नहीं खुलता है, ये माननीय मौन हो जाते हैं। तो इसलिए तय करना होगा कि जो हमारे मत से चुन के जाएंगे, अगर वो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में बात नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों को हम लोग मतदान नहीं करेंगे। आज बताइए, आप पता कीजिए जो भी प्रत्याशी हैं उनके बच्चों की क्या स्थिति है और आपके बच्चों की क्या स्थिति है, और ये भी पता कीजिए जब वो नेता नहीं बने थे, जब वो सांसद विधायक नहीं बने थे, तब उनकी क्या स्थिति थी। आपके वोट से आज वो कहां तक का सफर तय किए, आपके वोट से आज उन्होंने अपने बच्चों के लिए शीश महल बनाया, और आपके लिए क्या बनाया क्या नहीं बनाया ये आप सभी जानते हैं। इसीलिए आज बदलाव की एक परिपाटी को तैयार करने के लिए एक नौजवान आपके बीच आया है, और हम लोग पूर्ण आशा और विश्वास रखते हैं कि इस राज्य में बदलाव होकर रहेगा। इस राज्य की जनता आशीर्वाद दे रही है, इस राज्य की जनता दुआ दे रही है,
और हमें पूर्ण आशा है कि इस राज्य में बदलाव होगा और बदलाव के साक्षी आप नहीं। बताइए हमारा कसूर क्या है भाई? झारखंड होना, झारखंडी होना क्या अपराध है हमारा? आज महाराष्ट्र हम जाते हैं तो मराठियों की बात शान से होती है, हम बंगाल जाते हैं तो पश्चिम बंगाल के जो निवासी हैं उनकी बात शान से होती है, तमिलनाडु में तमिल वालों की बात शान से होती है, बिहार में बिहारियों की बात शान से होती है, लेकिन आप झारखंड जब आते हैं तो झारखंडी होना लोग मैंने हर दृष्टि से देखते हैं कि ये झारखंडी है। आज हमारा ये मापदंड रहा है हमारे राज्य में, कल कारखाने हमारी जमीनों पर, आंदोलन हमारे पूर्वजों का, शहादत हमारे पूर्वजों का, और आज इस राज्य की मिट्टी में जहां तक आपके कदम जाते हैं, जहां तक आपकी नजर दौड़ती है, आप घूम कर आइए, आप परख कर आइए, आप जांच पड़ताल करके आइए, हर जगह आपको पता चलेगा कि झारखंडियों का दहन हो रहा है। आज कितने भारी संख्या में हमारे नौजवान प्रदेशों में चले गए, पलायन करने को चले गए, आज कोई हैदराबाद में, कोई बंबई, तो कोई सूरत में अपने भविष्य को संवारने के लिए चला गया। क्यों भाई, हमारे झारखंड में क्या अवसर नहीं है? हमारे झारखंड में अवसर है, हमारे झारखंड में अवसर की कोई कमी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपने बेरमो विधानसभा का नाम सुना होगा, आपने पेपर में पढ़ा होगा कि उस क्षेत्र का कोई एक नेता है जो एक दिन में एक क्षेत्र में 1 करोड़ का कोयला बेचता है। हम उदाहरण लेने के लिए समझते हैं कि एक नौजवान को 1000 रुपए पर्याप्त है अपना जीवन भरण पोषण करने के लिए, एक दिन में 1000 यानी 30 दिन में 30,000 की सैलरी, गुड, बहुत बढ़िया है, गुड सैलरी 30,000 की अगर एक महीना में आती है, तो अगर हम 1000 से उस 1 करोड़ को डिवाइड देंगे, ऊपर में 1 करोड़ नीचे 1000, तो 10,000 निकलता है रिजल्ट। यानी 10,000 नौजवानों के चेहरे में जहां से मुस्कान आ सकता था, जहां से 10,000 नौजवानों के चेहरों में खुशियां लाई जा सकती थी, उस एक जगह में कुंठा मारकर बैठा है, अजगर बनकर एक आदमी बैठा है, ये तस्वीर है। इसलिए इस राज्य में अवसर की कोई कमी नहीं है। तमाम नौजवान आपको इस बात को जान लीजिए, आपके राज्य में अवसर की कमी नहीं है। वो लोग आपको अवसर नहीं देना चाहते हैं जिनको आपने अवसर दिया है। नेताओं को अवसर किसने दिया? आपने दिया। विधायक किसने बनाया? आपने बनाया। सांसद किसने बनाया? आपने बनाया। मंत्री किसने बनाया? आपके मत से गए तब जाके मंत्री बने। जिनको अवसर दिया उन्होंने आपको अवसर नहीं दिया। सवाल बनता है क्यों नहीं दिया उन्होंने मुझे अवसर? क्यों नहीं दिया? परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं दे रहे हैं? अगर परीक्षा में बैठ रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है, यानी हमें अवसर क्यों नहीं दे रहे? एक सवाल बनता है, अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं? कि कहीं ना कहीं वे लोग चाहते हैं कि राजतंत्र की सत्ता बनी रहे, मेरा बेटा ही विधायक बने। अगर इनको अवसर देंगे, अगर इनको रोजगार से जोड़ देंगे, अगर ये लोग संपन्न हो जाएंगे, अगर हर एक नौजवान मजबूत हो जाएगा, तो फिर मेरे बाद मेरे बेटे को विधायक स्वीकार कौन करेगा? मेरे बाद मेरे परिवार के सदस्य के लोगों को नेता स्वीकार कौन करेगा? या फिर मेरा झंडा कौन रहेगा? आज यही नेता कहते हैं युवा आगे आए, युवा आगे आए। जब भी इनका भाषण सुनिए, बड़े बड़े मंचों से एकदम माइकों में कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। आज एक युवा पलटकर जवाब दिया है, आज एक युवा टाइगर जयराम महतो पारसनाथ के जंगलों से बाहर आया है। सबका कहते थे निकल कर आया है, इनका हालत खराब हो गया। क्यों बताए? क्योंकि उनकी प्लानिंग क्या थी? मेरे बाद मेरा बेटा बागडोर संभालेगा, मेरे बाद मेरे परिवार का सदस्य बागडोर संभालेगा। आज एक नया लड़का आया है, उस बागडोर क्यों काटने आया है, या बोलती हूँ राजनीति में भी आएगा और राजनीति का अवसर युवाओं को देगा। अब युवा केवल लोग नहीं रहेगा, अब युवा विधायक बनेगा, अब युवा रेम्स में नहीं रहेगा, अब उन युवाओं को रियल लाइफ से परिचय करवाएंगे। ये रियल लाइफ में लेके जाते थे, ये नेता युवाओं को रील में लेके जाते थे, आज हम उनको रियल लाइफ में लेकर आए हैं कि आज जो आप 2 घंटा ड्रीम 11 का डिस्कशन करते हैं, हो सकता है तो उसमें 1.5 घंटा कटौती कीजिए और 1.5 घंटा आप अपने फ्यूचर को लेकर डिस्कशन करिए, क्योंकि हम उनको रील से रियल लाइफ में लेकर आए। इसी बात का इनको दर्द है। इससे पहले भी नेता आए थे, इसके बाद भी नेता आएंगे, लेकिन आज देखिएगा, मेरा तारीफ जनता के बीच होता है, लेकिन मेरी बुराई अगर कहीं होती है तो नेताओं के बीच होती है। कभी भी कीजिएगा, आप तमाम चैनल से जुड़े हैं, आप देखते हैं, कभी भी देखिएगा, अगर एक पब्लिक से पूछा जाए तो तारीफ करता है कि लड़का ऐसा है जो मेरे पार्टी में नहीं है, दूसरे पार्टी में, फिर बोलता है कि लड़का फ्यूचर स्टेट का, आम पब्लिक है, लेकिन जैसे प्रखंड अध्यक्ष जिला अध्यक्ष के पास पहुंचे एकदम गला फाड़ फाड़ के हमको गाली देने लगते, क्या पता रास्ता बंद हो गया सबका।
ये जो चमचाई गिरी करना, चमचा गिरी करके नेता बनना, ये रास्ता बंद हो गया। इसलिए आप कभी भी देखिएगा जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर मेरे को खिलाफ होता है वो मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, नेता होते हैं, और जनता हमेशा हमें प्यार देती है। क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनके बच्चों के भविष्य के बारे में अगर कोई आवाज उठाया है तो आज ये लड़का उठाया है। आज मैं बताना चाहूंगा एक करके बेरमो विधानसभा में गांव है, एक अल्पसंख्यक समुदाय के दादाजी, उनकी उम्र हमको लगता है लगभग 100 साल होगी। उस दिन उनकी तबीयत बहुत ही खराब थी, उनको वॉमिटिंग हुआ था, उनकी दाढ़ियों में फंसा हुआ था, इतनी उनकी बेड में थे और उनके दाढ़ियों में वॉमिटिंग फंसा हुआ था, इतने बीमार अवस्था में थे, 100 वर्ष के थे। हम भले प्रार्थना करते कि 10 साल उनकी आयु बढ़े। उन्होंने अपने परिवार के लोगों से कहा, जो उनका नाती था, कि एक काम करो, मेरी एक इच्छा यह भी है कि उस लड़के को लेके आओ मेरे पास या मुझे उसके पास लेके जाओ कि झारखंड में कोई शेर पैदा हुआ है जो विस्थापन पे बात करता है। क्योंकि वो बड़ा था बड़ा बड़ा बेरमो, बेरमो यानी कोयला का खदान, सारा जमीन उस शख्स का कोयला के खदानों में चला गया है। राजा कौन बना? एक गया का आदमी आया है चल के, आज वो राजा बना है, यहां 1 करोड़ रुपया का कोयला का कमाई करता है। तो दर्द है और इसलिए उसने कहा कि हम उसको मोबाइल में देखे, 100 साल हो रहा है और वो शख्स हमें मोबाइल में देख रहा और कह रहा है या तो मुझे उसके पास ले जाओ या उस लड़के को मेरे पास लेके आओ। लास्ट टाइम उनसे मिलने गए तो हम लोगों ने किया है। आज अगर हम सत्य मेरा रास्ता सही नहीं होता तो कुछ भी कर लीजिए, एक एमपी के प्रत्याशी के तौर पर आपके सामने नहीं आते, आते भी तो रेस में नहीं रहते। आप सोशल मीडिया खंगालिएगा, आयसू गठबंधन वाले लोग जेएमएम वाले की आलोचना नहीं करते हैं और ना ही जेएमएम वाले आयसू की आलोचना करते हैं, और सुबह शाम उठते हैं और जयराम महतो की आलोचना करते हैं, क्योंकि रेस में अगर कोई है तो हम खड़ा है। अब आलोचना आखिर किसकी होती है? जिससे आपका मुकाबला होता है। मान के चले अगर 10 प्रत्याशी उतरे हैं मैदान में और जो लगता है कि जो 10वां नंबर पे आएगा वो छुछा के कोई पूछा, उनका नाम भी कोई लेगा, तो भैया आपकी आलोचना भी कौन कर रहे हैं? जेएमएम के लोग जो 3 बार के विधायक हैं, आयसू के लोग जो 3 बार के विधायक 1 बार के सांसद, उनकी जुबान पर सुबह शाम आपका नाम है, तब सोच लीजिए कि झारखंड में आप क्या बदलाव लेकर आए हैं। इसलिए आज तमाम नौजवान आपसे विशेषकर अनुरोध होगा, 2 प्रत्याशी आएंगे, बिल्कुल उनसे हमारा वैचारिक मतभेद है, उनसे शारीरिक मतभेद नहीं है, उनको यहीं पर बैठाएगा, इसी कुर्सियों पर बैठाएगा, यही फूलों की मालाओं का हार होगा, यही पानी की बोतल होगी और यही सत्कार होगा। लेकिन एक सवाल कीजिएगा कि है महोदय मान्यवर, हमको एक सवाल करने जा रहे हैं, उस सवाल का हम लोग उत्तर चाहते हैं कि जब पेपर लीक होता है आप चुपचाप क्यों हो जाते हैं? जब इस राज्य में कोई नीति की बात आती है आप चुपचाप क्यों हो जाते हैं? जब इस राज्य के किसानों की बात आती है, इस राज्य के युवाओं की बात आती है, आप मौन क्यों हो जाते हैं? महोदय एक सवाल पूछिएगा, हमें लगता है अगर इस सवाल का उत्तर दे देंगे तो उनका स्वागत और जोरदार कीजिएगा, क्योंकि उनसे हमारी शत्रुता नहीं है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नेताओं का बड़ा क्लास लेते हैं, तो हमने भी एक लाइन कहा कि भाई इस बात पर तकलीफ है कि हमने उनको वोट दिया था अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हमने दोपहर के 12 बजे के धूप में खड़ा होकर वोट दिया था, क्या 60 साल और क्या 70 साल और क्या 90 साल के लोग धूप में खड़ा होकर उनको वोट दिए थे इस राज्य के भविष्य के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? छुपा नहीं है, तमाम क्षेत्रों में चले जाइए, धनबाद जिला में किसी का बोकारो में, हमको लगता है झारखंड के 1 दर्जन जिलों में उनका जमीन है, 1 दर्जन जिलों में उनका प्रॉपर्टी है। तो क्या हमने आपको अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए एमपी एमएलए बनाया था? यह झारखंड के एक आम व्यक्ति की प्रॉपर्टी का सुरक्षा करने के लिए आपको एमपी एमएलए बनाया था? अब आप ही बताइए, हमने तो स्पष्ट कह दिया कि यदि आप व्यापारी होते और 1 दिन में 1 करोड़ नहीं 1 अरब भी कमाते तो मां कसम कुछ नहीं कहते, क्योंकि आप एक व्यापारी होते। लेकिन अगर आप राजनेता बन के एक ढेला भी गलती से कमाइएगा गलत तरीके से, तो उसका मुकाबला हम करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आप अपने बाप की बदौलत एमपी एमएलए नहीं बने हैं, ना अपने ससुर की बदौलत बने हैं, आप जनता की बदौलत बने हैं। हम तब भी आपकी आलोचना नहीं करते यदि आपका बच्चा हजारीबाग में 10 साल तैयारी करता, यदि आपका बच्चा किसी फैक्ट्री में काम करने जाता, यदि आपका बच्चा सड़क में बस में बैठकर 15 किलोमीटर स्कूल पढ़ने जाता, कॉलेज क्लास करने जाता, हम आपकी आलोचना नहीं करते। आज आपके बच्चे कहाँ हैं? दिल्ली में बैठते हैं,
लाखों का लैपटॉप लेके बैठते हैं और विदेश की कंपनी को दिल्ली से देखते हैं। आपके बच्चे कहाँ हैं? किसी बीएड कॉलेज के डायरेक्टर हैं। बताइए, हमारा सवाल गलत है या हमारा उन पर सवाल करना गलत है? बताइए, आप प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, उन्होंने वोट किस लिए लिया था? हमारे बच्चों के, आम जनता के बच्चों के भविष्य के लिए लिया था। हाँ, हम फिर भी आपकी आलोचना नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करते, मां कसम आपकी आलोचना नहीं करते। यदि आपका भी जमीन 4 एकड़ 5 एकड़ होता, हम आपकी आलोचना नहीं करते। यदि आपकी भी प्रॉपर्टी हमारे जैसी होती, हम आपकी आलोचना नहीं करते। आप पूरा जिला में, अरे जितना मेरा बहियार खेत का दर नहीं है, उतना आपका बाथरूम का रेट है, आपकी आलोचना नहीं करेंगे, नहीं करते आपकी आलोचना। हमारी तरह आपका बेटा संघर्ष करता, नहीं करते आलोचना। हमारी तरह आपका बेटा तंगहाली में जीता, बदहाली में जीता, नहीं करते आपकी आलोचना। अरे आपका बेटा वीआईपी मेंटेन करता है, आपका बेटा दर्जनों गाड़ियां मेंटेन करता है, अपने पार्टनर से मेंटेन करता है, हमारे मुख्य जितने गए हैं और समाज के कारण मेंटेन करता है। ये नहीं है, झारखंड में 90% नेता बनने के लायक नहीं है, सब लालची लोग हैं। मैं आज पढ़ा लिखा नौजवान एक चीज से आपको परिचय करवाऊंगा, जिस चीज से परिचय कराने का हैसियत फिलहाल इनका है ही नहीं, क्योंकि इनके पास इतना आइडिया ही नहीं है कि जो लोग क्रॉनिक कैपिटलिज्म के समर्थक है, कभी उनको वोट मत कीजिएगा। क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जो लोग ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन के सहयोग से पूंजीपति बनते हैं, ऐसे लोगों को अगर हम वोट करेंगे तो देख सकते हैं, हसदेव जंगल को सिर्फ अडानी को बेच दिया और पूरा भारत की मीडिया में एक सवाल तक नहीं गूंजा। कल तो हमारे यहाँ पे गिरिडीह किसी को साइन कर दिया जाएगा कि जाइए गिरिडीह से यहाँ इतना प्लॉट नंबर, इतना रखवा, इतना चुहद्दी, हम फलाना कंपनी को एमयू पर चिपका दिए। जनता कुछ नहीं बोल पाएगी। इसलिए अगर आप देश के बारे में सोचते हैं और देश में समृद्ध के बारे में सोचते हैं तो एक काम कीजिएगा, क्रॉनिक कैपिटलिज्म का समर्थन करने वाला वो कभी वोट मत कीजिएगा, चाहे वो विधायक रहे, सांसद रहे। आप वोट किसको कीजिएगा जो सत्ता और संपत्ति के विकेंद्रीकरण का पक्षधर हो। विकेंद्रीकरण एकदम सिंपल भाषा में समझिए, आज हम एक 2 साल तक हमें कोई जानता नहीं था, आज एक लड़का अचानक एमपी के रूप में आया है, कल को इसी भेड़ से जब कोई एमएलए बनेगा उसको हम विकेंद्रीकरण कहेंगे। लेकिन यदि कोई रमेश गढ़ का बेटा, यदि कोई नीति का बेटा फिर नेता बनेगा, उसको हम केंद्रीकरण कहेंगे। एक परिवार में ही नेता बनना और एक परिवार में ही सारा संपत्ति जमा हो जाना, इसे केंद्रीकरण कहेंगे। और हम स्पष्ट कह देते हैं, अगर हम लोकसभा फतवा करते हैं और एक सांसद के कार्यकाल में एक व्यक्ति कभी करोड़पति नहीं बनेगा, बल्कि उसी टाइम में 100 आदमी लखपति बनेंगे, मेरा वादा रहा। हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। यदि एक सांसद के सहयोग से या फिर एक सांसद के कारण कोई बना तो एक आदमी नहीं बनेगा, उस टाइम 100 लोग बनेंगे। मैं ये आपको वचन देता हूं। आज आप देख लीजिए, जो भी सांसद विधायक हैं, 10 लोगों तक उनकी प्रॉपर्टी सीमित है पूरे काल फंड में। 10 पे हम ज्यादा कह रहे हैं, 2 लोगों में उनकी सारा योजनाएं सीमित है, 2 लोगों में। अगर सांसद भी है तो गिने चुने 4 लोग होंगे जो सारे कार्यकाल को देख लिए। अगर विधायक भी है और गिने चुने 2 लोग होंगे। इसलिए इस बात को भी हम कहते हैं कि एक टाइम में एक आदमी हमारे साथ करोड़पति नहीं बनेगा हमारी वजह से, अगर बनेगा है तो उसी टाइम 100 लाखपति बनेंगे। अगर संसद का रोल रहा तो इसलिए आज चीजों को समझना होगा कि आज कैसे राजनेताओं को हमने तैयार किया। अभी बताइए, आज हम कहते हैं बदलाव की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, कैसे बदलाव होगा? नेता बदलने से बदलाव नहीं होगा, पार्टी बदलने से बदलाव नहीं होगा, सोच बदलने से बदलाव होगा। और हम लोग पहला सोच ही स्थापित करेंगे, अगर लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो 75% सैलरी जनता को दान करेंगे। कैसे नेता, इस देश का कल्याण नहीं होगा, आपके पास ही नहीं है, वही घिसी पिटी बातें, सड़क बना दिए, नली बना दिए, गली बना दी, वही घिसी पिटी बातें। आपके पास नया प्लानिंग क्या है? आपके पास नए रोज क्या है? कोई बात करने वाला नहीं है। और मैं एक वचन बड़ी होश और हवास में देके जाऊंगा कि जो लोग हमें वोट करने के लिए गिरिडीह लोकसभा के तमाम संसदीय क्षेत्र में आएंगे, आप अपने घर से अपने बूथ की दूरी को नाप लीजिएगा, क्योंकि आपका किसी का बूथ 1 किलोमीटर में है, किसी का बूथ 1.5 किलोमीटर में है, किसी का 4 किलोमीटर में है। आप जहां वोट करने के लिए जाइएगा उस बूथ की दूरी अपने घर से नाप लीजिएगा, क्योंकि अगर हम जीतते हैं और जो पहला काम करेंगे कि जितने अपने घर से अपने बूथ से जुड़े हैं उससे कम दूरी में लाने का प्रयास करेंगे, उससे कम दूरी में आप दूरी को नाप लीजिएगा। अगर आप वोट देने के लिए, अगर मेरे लिए वोट देने के लिए बूथ में आप अगर 1 किलोमीटर चल के बूथ तक जाएंगे तो 500 मीटर में आपकी लाइब्रेरी होगी, यह मेरा वचन है।
अब नौजवानों को, उनके अभिभावकों को, गार्जियनों को तय करना है कि आपका लीडर कैसा होगा। क्या? क्योंकि आज जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर हैं, वह एक बैंक मानते हैं कि ये फलना समुदाय है तो ये मेरा वोट बैंक है, अगर ये फलना समुदाय है तो मेरा वोट बैंक है। इसीलिए अब क्यों भी समुदाय रहे, वो किसी का बतौती नहीं है, वो किसी का वोट बैंक नहीं है, वो उन्हीं को वोट करेगा जो उनके बच्चों के भविष्य की बात करेगा, वो उन्हीं को वोट करेगा तो झारखंड में अकबर की बात करेगा। इसलिए आज तमाम जो लोग यहां पर जुटे हैं, मैं आप तमाम सज्जनों से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज इस नौजवान को हिम्मत दीजिएगा, क्योंकि आज केवल इस नौजवान की जीत नहीं होगी, मेरे तमाम अभिभावक, मेरे तमाम हमरूम के साथियों, ये जीत झारखंड के तमाम उन नौजवानों की होगी जो सांसद बनने का ख्वाब देखते हैं, क्योंकि 23 साल के इतिहास में शायद ही कोई लीडर होगा जो अपने दम पर, अपने प्रतिभा के दम पर आज यहां तक का सफर तय किया होगा, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के तब यहां तक आए होंगे। आज एक अदना से कंडेंडों से निकलकर सामने आने वाला लड़का अगर सांसद बनता है ना, तो आपकी जीत होगी, क्योंकि एक असाधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। आज एक गांव का गरीब लड़का मुखिया बनने का सपना नहीं देखता है, क्योंकि उसको मालूम है चुनाव बहुत महंगा हो चुका है। आज अगर मेरी जीत हुई तो मैं ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो मिथक चल रहा है कि जिनके पास पैसा है वही चुनाव जीतेंगे, उस मिथक को भी तोड़ने का काम करेंगे कि अब चुनाव केवल नोट से नहीं, जनता के आशीर्वाद से भी जीता जा सकता है।